नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हो द मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो फोन और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के डिजिटल माइक को विदाउट एसएमडी गन के कैसे चेंज कर सकते हो आप, ये आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस काम को करने के लिए मैं आज आपको एक नई ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आज आपको मैं इस ट्रिक बताकर आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो माइक है वो काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो मेरे पास पुराना डेड बोर्ड है उस बोर्ड का जियो का माइक मैं निकाल कर आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, इसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले मेरे पास जो ब्लेड होता है स्टील का, उस ब्लेड की मदद से माइक की थोड़ी सी साइड में मैं थोड़ा सा स्क्रैच करूँगा और उसकी मदद से हमारा जो बड़ा वाला सोल्डरिंग गन होता है उस सोल्डरिंग गन की मदद से मैं उधर हिट दे दूँगा और उसके बाद हमारा जो माइक है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सोल्डरिंग गन को वही जगह पर एक साथ ऐसा रखने का है। दोस्तों, हमें एक खबरदारी लेनी है कि हमारे जो माइक है उसको भी ज़्यादा सोल्डरिंग ना लगे और हमारे सोल्डरिंग के बाजू में जो हमारे जो कीपैड है उस कीपैड को भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमको खबरदारी लेनी है और उस तरीके से हमको काम करना है। हमको सोल्डरिंग गन को एक ही जगह पर पकड़ कर रखना है। और उसके बाद जो हमारा माइक है वो अच्छी तरह से निकल गया है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो दूसरा बोर्ड है, चालू बोर्ड, उसका जो पुराना ख़राब हुआ जो माइक है उस माइक को भी हम इस ट्रिक का यूज करके ही निकालने वाले हैं। और उसके जगह जो हमने पहला माइक निकाला था उस माइक को डाल के आपको मैं लाइव चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देख लीजिए। दोस्तों, पहले माइक को हमने जैसा निकाला था सेम उसी तरीके से हम दूसरे माइक को भी सेम उस प्रोसेस से ही निकालेंगे। माइक के बगल में हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और उसके बाद हमारी जो सोल्डरिंग गन है उसको अच्छी तरह से एक जगह फिक्स कर देंगे। माइक को जो जगह होती है माइक की उसको थोड़ा सा हिट होने के लिए। तो दोस्तों, हमारा जो माइक है वो अच्छी तरह से निकल गया है और हमारा जो दूसरा माइक है हमने जो पहले डेड बोर्ड में से निकाला था उस माइक को हम उस जगह पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा वाला माइक है वो भी अच्छी तरह से सोल्ड हो गया है। हमने जो माइक बिठाया था वो माइक सोल्ड हो गया है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारे जो पुराना वाला जो माइक है उसको साइड में रख देते हैं और उसके बाद हमने जो माइक बिठाया था उस माइक को हम एक बार मोबाइल को चालू करके आपको रिकॉर्डिंग करके मैं माइक का डेमो आपको दिखाता हूँ कि माइक हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेलो 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 तो मैंने आपको जो ट्रिक दिखाई थी वो एकदम सक्सेसफुली वर्क हो गई है। और उसके बाद मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के डिजिटल माइक को भी कैसे चेंज करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल के सीसी फ्लेक्स के
डिजिटल माइक को चेंज करने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे और एक जगह पर भी हमारी जो सोल्डिंग गन होती है उसको फिक्स कर देंगे और जो हमारा जो माइक है उसको भी हम निकालेंगे। तो दोस्तों सीसीप्लेक्स की जो बोर्ड होता है वो पतला होने के कारण जल्दी से वो माइक निकल जाता है और जल्दी से भी माइक बैठ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी कोई भी डिजिटल माइक को आसानी से विदाउट एसएमडी गन के बिठा सकते हो। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।